थन से दूध बहाने लग गईयां, यमुना नदी तो लगे दूध। सभी गोप्रेमी गोपालक मित्रों को जय गो माता। आज के वीडियो में आपको एक बेहद साफ सुथरी और शानदार ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स की गदरी राठी जो कि प्रेग्नेंट है, सेल के लिए अवेलेबल है और कम कीमत की है, वह दिखा रहा हूँ। अंत तक वीडियो जरूर से देखिएगा। ये गाय प्रेग्नेंट है, लगभग 5 से 7 दिनों में बच्चा देने वाली है। इस गाय की मदर का मिल्क रिकॉर्ड 14 से 15 लीटर पर डे का रहा है और वैसी दूध क्षमता इस गाय ने अपने इस ब्यांत में हासिल की है। लगभग 13 से 14 लीटर इस गाय से दूध क्षमता की उम्मीद की जा रही है। अभी दूसरा ब्यांत है। आप भी अपनी गाय की वीडियो शोकेस करवाना चाहते हैं तो इन नंबरों पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट लैक्टेशन में लगभग 11 लीटर पर डे का इस गाय ने दिया है। इस बार भी शानदार दूध क्षमता की उम्मीद की जा रही है। शानदार ब्रीड करेक्टरिस्टिक्स हैं। गाय बेहतरीन है, सुंदर है, खूबसूरत है, साथ ही अच्छी दूध क्षमता की भी है। लेकिन परख करें कि गाय A2 क्वालिटी मिल्क देने वाली है या नहीं। लंबी पूंछ, लंबी नाभि, भारी झालर, गलकंबल, अगले पैरों के ऊपर हम्प, सुंदर चौड़ा माथा और कर्व लिए हुए छोटे सींग, बेहद खूबसूरत है गाय। अडर क्वालिटी भी बेहतरीन है, सुंदर मुठिया थन है। अडर आने वाले दिनों में और अच्छी ग्रोथ दिखाएगा। नाभि और गलकंबल दोनों ही परफेक्ट साइज के हैं। अच्छी अष्टपुष्ट गाय है, पीठ पुट्ठे की चौड़ाई और वजनदार शरीर लिए हुए है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इस गाय के लिए ऑल ओवर इंडिया के लिए अवेलेबल है। कीमत 35,000 रुपीज डिमांड की गई है। कीमत बड़ी वाजिब, बड़ी जायज डिमांड की गई है। ऐसा आपने भी अनुभव कर लिया होगा क्योंकि ऐसे करेक्टरिस्टिक्स वाली गाय इस कीमत में बेहद ही रेयर आपको देखने को मिलेगी। गाय को दर्शन रावजी सेल के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं जो विलेज बालासर, डिस्ट्रिक्ट सिरसा, हरियाणा के रहने वाले हैं। इनके मोबाइल नंबर भी मैंने स्क्रीन पर मेंशन किए हैं, आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। नंबर है 9588544772। इन मोबाइल नंबर पर संपर्क कर गाय के बारे में आप पूरी जानकारी लें। एक बार यहाँ आए, विजिट करें। विजिट कर इनके पास ऐसी अच्छी अच्छी खूबसूरत गायें लगभग इसी प्राइस रेंज में आपको मिलेंगी। आप उन गायों को भी देख परख सकते हैं। विजिट करने से आपको एक फायदा और होगा, गाय को स्वभाव के अकॉर्डिंग भी आप जांच परख पाएंगे कि गाय का स्वभाव आपके अकॉर्डिंग कैसा है। वह भी गाय अभी खुली हुई है और सहलाया जा रहा है, ठंडे सील स्वभाव में, शांत स्वभाव में खड़ी हुई है। ऐसा चंचल गायों में नहीं देखने को मिलेगा। गाय के अंदर शांत सरल स्वभाव तो है ही, A2 क्वालिटी मिल्क देने की सभी क्वालिटियां मौजूद हैं। ब्रीड करेक्टर्स गजब के हैं, गदरी राठी के हैं। आपको चाहिए कि इस गाय को जब भी आप अगली बार गाभिन करवाएं तब भी राठी नस्ल के अच्छे नंदी से गाभिन करवाएं, तब भी नस्ल संवर्धन होगा। और नस्ल संवर्धन किसान के लेवल पर होना चाहिए, ना कि किसी बड़े ब्रीडर के पास, क्योंकि हर किसान सही मायने में ब्रीडर है। इस तरीके की आप भी ख्याल रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।